I literally tried everything to lose weight, taking lemon honey water, giving up on rice and breads. I even took the fat burners. The amount of money and time I have invested in losing weight is just too much. I was 82 kgs and now I am at 58 kgs, and all the credit goes to Fitter and the community. So hi, this is Anu Batla. I'm 34 years old. I'm from Gurgaon and I'm running a coaching institute here in Gurgaon. I was a very chubby kid. I was not fat, I was not skinny, but I was a chubby kid. But I was never bothered about my weight. मुझे कभी लगा नहीं कि मुझे वेट कम करने की ज़रूरत है or something. I got married at 23 and my daughter was born when I was 26 only. During that period, I just put on 20 kgs of weight. So, you know, when you put on so much of weight, you feel a little less confident about yourself. So, I was so desperate to lose weight. I asked my trainer ki bhai ab to jo hai na 3 mahine ke andar andar wazan kam karna hai, so just do something. So, he asked me ki aap jo hai na fat burners le lo. When I took the fat burners, I again managed to lose 10 kgs of weight. So, I was so happy ki yaar ye badi sahi cheez hai, fat burners lo aur weight hi khatam ho jayega. But within 3 months, जो 10 किलो वजन कम किया था उससे ज़्यादा वजन, लाइक आई पुट ऑन अनदर 15 kgs. सो आई कीप ऑन डूइंग दैट. मैं लूज़ कर रही थी, रीबाउंड हो रहा था, लूज़ कर रही थी, रीबाउंड हो रहा था. सो दिस कीप ऑन हैपनिंग. बिफोर फिटर कि रात को खाना नहीं खाना है और एम्प्टी स्टमक जो है ना रनिंग करके आना है ना. सो माई हस्बैंड वर ऑल्सो इन टू जॉगिंग एंड रनिंग एंड मैराथन्स एंड ऑल. सो मुझे भी बोलते थे कि ये वेट जाने से तूने कोई पहलवान बनना है क्या जो रोज़ जाके जिम में डंबल उठा रही है, क्योंकि आप 7 साल से कर रहे हो, कुछ नहीं रहा है. सो पीपल ऑल्सो थिंक जस्ट अ वेस्टेज ऑफ टाइम. सो वन डे ना माई ब्रदर विजिटेड मी एंड ही वेंट टू किचन एंड ही स्टार्ट वेइंग दिस स्टफ एंड आई वॉज लाइक कि ये क्या कर रहा है. सो इट लाइक कि अभी आई हैव जॉइंट सम कम्युनिटी, आई एम अंडर सम कोच एंड आई जस्ट हैव टू ईट इट दैट वे. सो देन ही टोल्ड मी अबाउट फिटर एंड यू नो आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग ऑन फिटर एंड एवरीथिंग. सो आफ्टर 3 months व्हेन आई सॉ हिम आई वाज लाइक यार ये तो ट्रांसफॉर्म हो गया. आई मीन ही ऑल्सो लॉस्ट 15 kg वेट. सो आई थॉट कि लेट मी जस्ट गिव अ ट्राई टू इट. सो देन आई एनरोल्ड अंडर सचिन सर. So my routine, like I wake up at 5 o'clock. First thing I do is like I go to gym. And in 2 saalon mein shayad koi bhi ek aisa din nahi raha jis din maine apne 15,000 steps pure nahi kiye. This is also a lifestyle change, no? Because in a day for 3 or 4 hours, like I am on phone, है ना. सो अब मुझे कोच ने बोला कि आपको स्टेप्स तो पूरे करने ही करने हैं. हाउ आई इनकॉर्पोरेटेड वाज कि जब भी मैं फोन पे रहूंगी आई कीप ऑन वॉकिंग. जब हमने देखा फिर अन्नू के अंदर चेंजेस दिखे जिम के साथ साथ, जब उन्होंने क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन लिया तो वी हैव सीन, मतलब मुझे काफ़ी चेंजेस दिखे. तो आई वॉज सो इम्प्रेस. तो मैंने कहा मुझे भी आप ज्वाइन करना है, बिकॉज मैं 2 साल से मैं भी जिम कर रहा था, 1.5-2 साल से, बट मेरा वो उतना फ़र्क नहीं लग रहा था. तो उसके बाद जब मैंने फिटर ज्वाइन करा और जब मुझे पता चला कि क्वांटिफाइड न्यूट्रिशन आल्सो इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ आपकी जो विजुअल चेंजेस हैं वो ज़्यादा दिखेंगे, तो वो वैसा ही हुआ. फिर आई थिंक आई हैव रिड्यूस ऑलमोस्ट 15-17 kg आफ्टर ज्वाइनिंग फिटर. गोइंग टू द जिम टुगेदर वॉज द बिगेस्ट सपोर्ट आई गेस. समटाइम्स वेन वी हैव द लेजी डेज शी इज लाइक आई डोंट वॉन्ट टू गो और आई हैव अ लेजी डे. सो शी इज़ ऑलवेज देयर टू किक माई वट ऑफ कि चलो यार चलो लेट्स गो. इकट्ठे जाने में ही मज़ा आता है. इफ़ वी आर कैरिंग ऑफ वेट्स लाइक शी सेज कि आई एम नॉट एबल टू डू मोर, सो आई जस्ट पुश हर अप कि चलो आई सपोर्ट यू, आई सपोर्ट योर हैंड्स, बट यू हैव टू डू इट. चल 10 कर ली, आई गिव हर द चैलेंज. समटाइम्स आई एम रियली जेलस ऑफ हर. शी इज़ गेटिंग लॉट्स ऑफ लाइक अमेजिंग कॉम्प्लीमेंट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन. आई एम ऑल्सो गेटिंग इट. सो एंड वी आर ऑल्सो टीचर्स, सो हमारे अंदर ना वो टीचर वाला जो कीड़ा होता है ना वो जाग गया. तो हमने कहा कि चलो लेट्स मेक अ पेज टुगेदर एंड टुगेदर वी टीच एवरीवन कि क्या होता है फिट, मतलब इसको कैसे अचीव करना है. एंड देन वी डिसाइडेड टू मेक आर चैनल ऑन इंस्टाग्राम एंड वी मेड दिस फिट विद अनु प्रेरणा. आई वुड लाइक टू टेल देम कि यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक व्हेन इट कम्स टू सेटिंग गोल. आप इतना एक लॉन्ग टर्म गोल रखोगे कि मुझे 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर इस जगह पे जाना है, बट यू नीड टू सेट योर शॉर्ट टर्म गोल्स ऑल्सो. आपको सिर्फ ये देखना है कि आप पहला 1 kg कैसे लूज़ करोगे और आपको वहीं रिपीटेडली करते जाना है. सो यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक एंड यू नीड टू प्लान फॉर योर मैरिज.